हॉट वाटर जी टैप लग गई है, ये देखें उसका उन्होंने जो है फिल्टर सारा, ये उसकी वायरिंग और ये है उसका टैंक। और पानी देखे कि डा गर्म है जी, 98 90, उफ। और मैंने कहा था आपको दिखाते हैं। तो हॉट जो है जी, ये बोरिंग टैप जो है हैंडस्ट्रोम से हमने ली थी, और आप भी ले सकते हैं, इनकी वेबसाइट पे जाएं हैंडस्ट्रोम की पे। और अगर आप अम्मी हलीमा 10 का कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा, या आपको मिलेगा जी अनदर फ्री फिल्टर। और अगर आप रिव्यू देंगे इनको तो आपको मिलेगा अनदर बोनस, वो क्या होगा, मिलेगा आपको आपकी ईमेल के थ्रू जी। टैप माशाल्लाह से हमारे किचन में देखें लग गई है, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह जी, मुझे चलानी हंडानी उसी तरह से इस्तेमाल करने नसीब करे, और ज़बरदस्त है। और ये देखिए आपको दिखाती हूँ, इस साइड पे है जी नॉर्मल हॉट एंड कोल्ड, जो घर का बर्तन धोने के लिए या जो नॉर्मल पानी होता है वो, इस साइड पर ये आपको ब्लू नजर आ रहा होगा साइन, तो इसका मतलब है अगर मैं इसको इस बटन को दबा के अपनी तरफ करूंगी तो यहां से ठंडा पानी आएगा। इसी तरह अगर मैं आपको दूसरी तरफ दिखाऊं तो आपको जो ये रेड बटन नजर आ रहा है ये गर्म पानी का है, तो इसको हमने ऐसे बटन को प्रेस करके मैंने इस तरफ अगर किया तो ये देखे, तो टैप से जो है ये गर्म पानी आने लग जाएगा। बॉइलिंग हॉट वाटर जी, बॉइलिंग हॉट वाटर। और ये टैप है जी जबरदस्त माशाल्लाह से, तो ज़रूर जो है इसको अपने किचन की जीनत बनाएं। और सिंक जो है, सिंक में ज़बरदस्त ज़िंदगी आसान, कैटल कैटल से जान छुड़वाएं, फिल्टर जो है उससे जान छुड़वाएं, क्योंकि पानी फिल्टर होके आता है। मैंने आपको दिखाया है कि इसका साथ फिल्टर और टैंक आता है। और ये मैंने कहाँ से लिया जी, हैंडस्टोम से। तो हैंडस्टोम अगर आप उनकी वेबसाइट पर जाएँ, ये 4-in-1 वाली मैंने ली है, और उनके पास 4-in-1 एंड 3-in-1 वाली हैं। तो जी 4-in-1 वाली जो है ये, वो ये है, और आप इसको परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अम्मी हलीमा 10 का कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको मिलेगा जी 10% ऑफ। और जो है आप प्लम्बर को बुलाएं, टैप फिट कराएं, और जो है इस टैप टैप से जी, टैप टैप सेंड से नहीं, इस टैप से फ़ायदा उठाएं। तो मैंने कहा चले आपको दिखाती हूँ। तो ज़बरदस्त माशाल्लाह से जो है ये साइड पे, ये देखें इस साइड से, इस मेरी तरफ मैं पुल करूँगी तो गर्म, दूसरी साइड पे मैं करूँगी तो जी ठंडा नॉर्मल जो पानी है। और ये फिल्टर हो के गर्म पानी, कैटल की भी कोई ज़रूरत नहीं। और देखो जी टैप जो है माशाल्लाह से लग चुकी है, जो कि लग रही है ज़बरदस्त। सो जाके मैं आपको दिखाऊँ ताकि तुसी भी देख लो कि आपने कहा था कि जी ली है तो लगवाई क्यों नहीं, तो प्लम्बर नहीं जी मिल रहा था हमें, प्लम्बर को जो थी उसकी और बहुत सी अपॉइंटमेंट्स थी। तो हमारे किचन में ये देखे माशाल्लाह से लग चुकी है, और इसका ये आप इसको जी इधर सज्जे खब्बे भी कर सकते हो, राइट लेफ्ट जो है घुमा सकते हैं, और ये पूरा जो है ऑल द वे जो है ये ट्विस्ट होती है। तो यार देखो जी, तो है ना मज़े की गल। तो ज़रूर लगवाएं, हैंडस्टोम की वेबसाइट पे जाएं, और अगर आप ये बाय करेंगे एंड रिव्यू देंगे उसके बाद तो आपको मिलेगा जी बोनस, और हलीमा 10 के अम्मी हलीमा 10 के कोड से आपको मिलेगा 10% ऑफ टैब के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अम्मी हलीमा किचन। और जी मैं क्या बनाने जा रही हूँ, मैं आज बनाने जा रही हूँ कलेजी एंड गुर्दे। गुर्दे कलेजी बनने जा रहा है जी, सर्दियां हैं तो सर्दियों में शुरू में ही इस तरह की चीजें 2-3 दफा बना के खा लें, यकीन करें नजला जुकाम खांसी से महफूज रहेंगे, लीवर हो गया, किडनीज पाए हो गए, इस तरह की चीजें। इसमें मैं डालूंगी जी थोड़ा सा जीरा, तकरीबन 1 टीस्पून हमने जीरा डाला है, और जो है दार चीनी जो है एक पीस जी दार चीनी का डालेंगे। इसके अलावा मैं डालूंगी एक मोटी इलायची, एंड मैं डालूंगी जी इसके अंदर तकरीबन 3 लौंग, ये देखे। और इसको हमने हल्का सा, जैसे आपको नजर आ रहा होगा कि वो सिजल जी, सिजल होना शुरू हो गया है, तो बस सिजल ही करना है हमने इनको। आँच जो है मीडियम रखेंगे चूल्हे की, और ये बच्चे जो हैं शुरू से अगर बच्चों को खिलाएंगे तो बच्चे शौक से खाएंगे। फिर क्या होता है जी, माएँ जब बच्चों को दूसरा खाने खाने की आदत पड़ जाती है, जंक फूड, फिर माएँ कहती हैं जी साढ़े बच्चे तो यह भी नहीं खाते, साढ़े बच्चे तो वो भी नहीं खाते। भाई कभी बच्चों को शुरू में छोटे होते ही ये चीज़ें आपने पका के बच्चों को खिलाई हों तो बच्चे यूज टू हो जाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं बयान कर रही या मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रही, ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, अल्लाह ने करम किया, और मैंने बच्चों को जो है शुरू से ही ये कलेजी गुर्दे पाए हो गए ये चीज़ें शुरू से ही, तो अब मेरे बच्चे माशाल्लाह पकता है तो शौक से खाते हैं, और उनको इस चीज़ का भी अंदाज़ा है कि ये चीज़ें जी आपकी
सर्दियों में खासकर आपके लिए बड़ी अच्छी हैं। तो वो उनको पता है कि ये नज़रा ज़ुकाम खांसी फ्लू से जो है उनको बचाए रखती हैं, तो वो माशाल्लाह शौक से खाते हैं। तो ये देखें जी पोटे भी, जी मैं पोटे भी बना के खवाए हैं। हर चीज़ जो है बच्चे को पता होना चाहिए कि जानवर की जो है कौन सा ये बॉडी का हिस्सा है ये, और ये भी खा सकते हैं, कौन सी चीज़ नहीं खा सकते, कौन सी खा सकते हैं। तो जी अब हम देखें प्याज डालिए, प्याज को मैं करूँगी हल्का गोल्डन ब्राउन। और प्याज जब ऐसे गोल्डन ब्राउन हो जाए तो अब जी मैंने इसके अंदर जिंजर गार्लिक की जो है पेस्ट डालनी है, 1.5 टीस्पून जिंजर, 1.5 टीस्पून गार्लिक, और इसको भी हमने प्याज के साथ जी घुमा फिरा के गोल्डन ब्राउन कर लेना है। और अभी हमने डालने दिए देखें कलेजी एंड गुर्दे, दिल नहीं जी मिलया, इसको हमने जी कर लेना है अच्छे तरीके से मिक्स। आँच कर लेंगे मीडियम और हमने लेना है 2-3 मिनट अच्छी तरह पकाएंगे मीडियम आंच पे। और मैंने इसको अच्छी तरह से धो लिया है, कलेजी में जी खून बहुत होता है, ब्लड होता है काफ़ी, तो उसको अच्छी तरह से धो के ड्रेन कर दिया करें छान के। तो ऐ देखो जी तो पक रही है जी आज हांडी है वाली, तो 2-3 मिनट मैंने इसको पकाना है ऐसे अच्छे तरीके से। तो उसके बाद मैंने जो इसके अंदर मसाले ऐड करने हैं मैं वो भी आपको दिखा दूँ। तो मसाले कौन कौन से है जी, तो ये देखे हूँ किसी कहना नमक कहाँ है जी इसमें, तो नमक ही नहीं है, नमक बिल्कुल लास्ट में जाता है। हल्दी, सूखी कुटी हुई मिर्च, चिली पाउडर, और ये है जी उसका जीरा पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, गर्म मसाला, काली मिर्च, ये हमने 1-1 टीस्पून जो है जी सारे लवाजमात ले लेने हैं और इसको ऐसे हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। तो ये देखिए इसको हमने ऐड कर दिया सारे मसाले और नमक, नमक अभी अगर हमने डाल दिया तो जो कलेजी है वो सख्त हो जाएगी, तो हम ये नहीं जी चाहते कि कलेजी सख्त होए, नाइसली कुक हो। तो ये देखिए हमने मसाले डाल के अब मैं इसको 2-3 मिनट पकाऊंगी और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी टमाटर। तो 2-3 मिनट जी हमने पका लिया मसाले में, अब मैंने इसके अंदर ऐड कर देने हैं देखो टमाटर, और टमाटरों के साथ और मैं पकाऊँगी इसको 2 मीडियम साइज के हमने टमाटर ले लिए थे जो कि मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। और ये ढक्कन दे के नहीं जी पकानी, ढक्कन दिए बगैर ही आप देखिएगा कितनी ज़बरदस्त शानदार ये पकती है। तो ऐसे हमने इसके अंदर जी टमाटर, 2 टमाटर मीडियम साइज के इसके अंदर ऐड कर देने हैं, और मैंने एक बड़े साइज का प्याज इसके अंदर ऐड किया है। तो आपको जो है एलर्जी ये टमाटर जो थे 2 हमने मीडियम साइज के इसके अंदर ऐड कर दिए। आँच मैंने कर ली है तेज़, और तेज़ आँच पे अब मैं ये टमाटरों के साथ इसकी भुनाई करूँगी कि टमाटर भी कोल में जान और नरम हो के जी बस ग्रेवी में शामिल हो जाए। तो चलें पकाते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में। तो जी ये देखें टमाटर भुनने लगे हैं, सुलह सफाई होगी सारी माशाल्लाह से, और मसाले ने तेल छोड़ दिया है और हमने कर ली है इसकी भुनाई। अभी मैं 2 चम्मच जो है दही के भर के इसके अंदर, कोई सा भी जो दही आपके पास अवेलेबल है जी आप वो वाला दही ऐड करें। और दही के साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूंगी नमक एंड मेथी। तो ऐसे दही को हमने मिक्स कर लिया, और पहले जी मैं इसके अंदर मेथी डालूंगी ऐसे, ये देखिए हमने ऐसे मेथी डाल ली, और साथ ही मैं 1 टीस्पून जो है नमक डालूंगी। ऐड कर जी हमने नमक ऐड कर दिया, अभी मैं इसको दही को मेथी को और नमक को अब हमने डाल के अच्छी तरह से इसको पकाना है। इसी पॉइंट पर आप हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, पर मेरे को जी हरी मिर्चें नहीं आ गई तो हरी मिर्चें मैं नहीं डाल सकती। तो मैं अब इसको अच्छी तरह इस मसाले को दही वाले को हम इसकी भुनाई करेंगे। और ये शानदार जी देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त हंडिया जो है तैयार हो चुकी है। अब मैंने इसके ऊपर गार्निश करूंगी धनिया के साथ, उसको ढक्कन देके हम रख देंगे। तो बनाइयो खाइयो, सर्दियों में सर्दियों की सौगात है जी, ये सर्दियों में गर्म चीज़ें जिनकी तस्वीर गर्म होती है वो अच्छी होती हैं। तो ऐड कर धनिया जो है हमने इसके ऊपर ऐसे स्प्रिंकल कर दिया, गरम मसाला हमने नहीं डालना, ऑलरेडी डाल चुके हैं। तो बस धनिया हरी मिर्चें काट के इसको आप लगा दें दम, और दम जी बस जी पक गई है हंडिया आपकी। तो बनाइएगा ज़रूर और खाइएगा भी। तो चलें जी इंशाल्लाह फिर मिलेंगे हम आपको अपनी नई रेसिपी के साथ। दुआ में रखिएगा यार, जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम।
हाँ जी जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अम्मी हलीमा किचन। और हम जा रहे हैं जी टाउन रोड भी आए हैं ज़रा। यहाँ कुछ चीज़ें थी जो कि हमने ली, क्योंकि आपको पता है ना कि होम स्कूलिंग हो रही है दो छोटे बच्चों के घर में जी, तो उस होम स्कूलिंग की वजह से किताबें जो हैं उनकी लर्निंग बुक्स जो हैं मैथ्स की इंग्लिश की, और ये ब्रेन गेम्स देखें जी, ये ऑलरेडी इनके पास थी। तो बस एक बुक है जो हमने रिटर्न करके हम अब लेंगे कुछ और न्यू बुक लेंगे जी न्यू। और जोना इस वक्त मेरे साथ है, हमने कहा हम वॉक करके जाते हैं ताकि हमारे स्टेप्स भी हो जाएं, वॉक भी हो जाए, और हम जो काम जिसके लिए जा रहे हैं हमारा काम भी हो जाएगा हो जाएगा जी इंशाल्लाह। तो चले जा रहे हैं। वो कहते हैं ना वो क्या होगा ना, हाथों में हाथ लिए चले मामा एंड जोना, है ना। हाँ तो बच्चों के साथ जी जो है इस तरह की आउटिंग ज़रूरी है। कोई होटल है या नहीं? कौन से वाला? ये ट्रैवल वाली। हाँ ये वाला, ये ट्रैवल लॉज है, ये होटल है। कितना बड़ा है, है ना, काफ़ी बड़ा है। इससे छोटे छोटे भी होते हैं, छोटे छोटे होटल भी होते हैं। छोटे छोटे शहरों में बड़े बड़े होटल बनते रहते हैं, बड़े बड़े वाले क्या कहते हैं, छोटे शहरों में होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अगर हम कोई मुसलमान किसी को देखते हैं ना, तो अगर हम उसको जानते भी नहीं तो अस्सलाम वालेकुम कहना चाहिए। ये अमल हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अल्लाह ताला को बड़ा पसंद है। बेशक आप नहीं भी जानते पर आपको पता है कि वो मुसलमान है, तो उसको अस्सलाम वालेकुम कहना चाहिए, वो भी मुस्कुरा के, ठीक है। तो जी ये मेरा पैगाम और मैसेज सबके लिए, बेशक तुसी जानदे हो नहीं जानदे, पहचानदे हो या नहीं पहचानदे, कोई हम जब अपना देखते ना मुसलमान बंदा कि ये जी मुसलमान है, तो अस्सलाम वालेकुम कहा करें मुस्कुरा के, तो जो फीलिंग आती है, जो नॉइस फील होता है ना, कि बेशक हम इसको नहीं पहचानते पर सलाम करना भी एक दुआ है, और सलाम के जवाब में जो बंदा वालेकुम सलाम कहता है वो भी एक दुआ है। तो दुआ लेने का कोई मौका जो है वो छोड़ना नहीं चाहिए। हाथ ठंडे यख हो गए, और ये देखो इन्होंने क्या खलारा डाला हुआ, बिल्डिंग वर्क हो रहा है सारा यहाँ से, ये देखो ज़रा क्या हो गया, सर्दी तो है अभी तो, ये कुछ भी नहीं है, इतनी सर्दी है। अभी तो जब स्नो पड़ेगी फिर आपको पता चलेगा यहाँ के हालात, देखना क्या होता, क्या हो गया, इतनी सर्दी। हाँ सर्दी तो है पुत्र जी, मैं तो दिल करे मैं कंबल के अंदर चली जाऊँ मोटी रजाई के अंदर कोई नहीं, घर जाके मैं आपको मोटी रजाई, नहीं मैं आपको ना यहाँ लेती हूँ, उसको कहती हूँ नाक पे चढ़ाने के लिए, इसको कुछ दे दो, उसका नाक बड़ा ठंडा हो गया है नाक पे चढ़ाने के लिए, वैसे घर से एक जराब उठा लाती जो नहीं नाक पे चढ़ा लेती और हम पहुंच गए हैं जी, ये देखें ब्रॉडवे, और यहाँ से अब हम जाके अंदर करेंगे क्या शॉपिंग। तो चलो जी चलते हैं। ये देखो रोशनियाँ कितनी नाइस उन्होंने डेकोरेशन की हुई है, आ रही है देखो, ये देखो कितना नाइस रोशनियों वाला दरख्त, पत्तों वाला भी होता है, फल फ्रूट वाला भी दरख्त होता है जी। ये कौन सा है, ये रोशनी वाली है, रोशनी वाला दरख्त है, कितना नाइस लग रहा है ना, और स्टोन्स वाली भी, स्टोन्स भी लगे हैं, हाँ स्टोन्स भी लगे हैं जी इसके ऊपर, ये देखें। जाते हैं जी एक्सेसराइज, यहाँ लगा हुआ है सेल, लगी सेल। और ये शॉल ये वाली बड़ी अच्छी है, बड़े साइज में पता नहीं कितने का लगा, सेल पे भी है कि नहीं पता करते हैं, इन पे जी 25% ऑफ लगा हुआ है ये वाली बड़ी चादर शॉल पे। और ये जी मैं लेने लगी हूँ ये वाली शॉल। तो जी हमने कर ले लिया है एक्सेसराइज से, इधर से मैंने अपने लिए शॉल ली है, जुनारा के लिए ग्लव्स लिए हैं क्योंकि सर्दी लग रही है उसको, तो अभी बस हम जाएंगे आगे और कुछ और चीज़ें देखनी हैं, तो स्टे ट्यून। अभी मैंने उधर शूज जाना है, वहाँ से जाके जी जुतियाँ भी देखनियाँ ने, सेल की प्राइसेस चेक करें जी, सेल पे भी प्राइसेस अग लगी है, मैं कहनी है जी अग लगी पई है, हद वैसे होती है, कितने का लगा हुआ है, 84 pounds, बहुत एक्सपेंसिव है। और अब हम जा रहे हैं जी ऊपर, ऊपर जाके देखते हैं कि ऊपर क्या क्या है, केड़ी केड़ी चीज़ अवेलेबल है। तो चले ये देखो उन्होंने डोनट्स स्टाइल रिंग्स जी डेकोरेशन के लिए लगाई हुई हैं, खैर से आपको नज़र आ रही होंगी।
ये देखो आपकी फ्रेंड है। हेलो फ्रेंड है, फ्रेंड तो सो रहा है, इसको क्या हो गया? वो देखो सारे सो रहे हैं, चेक करो हाँ ज़रा, वो भी सो रहा है, तो ये भी सो रहा है। हेलो, इनका स्लीपी टाइम है, सब सो रहे हैं। बटन प्रेस करो ज़रा सुनी है। ओ वो देखो, हाँ उठ गया उठ गया उठ गया, वो देखो ज़रा सारे उठ गए हैं। ये देखो ज़रा, आपने सबको उठा दिया, अच्छे खासे सो रहे थे, वो देखो वो गाना गाने लग गए हैं सारे वो देखो गा रहा है, वो देखो ज़रा वो क्या कर रहा है, है? ना छेड़ो उसको, वो कहता है मुझे हाथ मत लगाओ। ये देखो हाय हाय, क्या दर्द 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 है। हाँ कुआं बनाया उन्होंने, ये देखो कुआं कुआं, ये देखो पानी वाला डोल भी है, वो देखो लटका हुआ साइड पर। चलो आ जाओ चलें, कैसे जगमगा रहा है ब्रॉडवे है, क्या लाइटा शाइटा बालियां ने जी इन्होंने सारियां। जिस वेले इनका बिल आएगा तो इन्हें पता चलेगा जब इनका बिल आएगा ना फिर देखना, पर यहाँ बिल पता नहीं शायद इनका आता ही नहीं है। और लिया है जी हमने सामान, ऐ देखो जी जो जोना लेके जा रहा है यहाँ से कुछ। तो जी हेयर प्रोडक्ट्स चाहिए थी, जो है फेशियल के लिए प्रोडक्ट्स चाहिए थी, तो माशाल्लाह से ले ली हैं। अभी हम जाते हैं बूट्स और फिर जाना है दी वर्क्स, तो देखें आगे आगे क्या होता है। बस गाने शाने बज रहे हैं जी पीछे, है क्या हुआ पीछे किसी ने उर्दू बोली और उसने कहा कि अम्मी जी आप पहले अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो रहे हैं। अच्छा यहाँ लोग उर्दू भी बोलते हैं जो ने आपको खुशी हुई सुन के है कि उर्दू बोल रहे हैं। पहले हम चलते हैं जी अब दी बूट्स में, यहाँ जाके मैंने अपना फेस वॉश लेना है, तो यहाँ आ जाओ जी, यहाँ क्लिनिक वाली साइड पर चलते हैं इस साइड पर, क्योंकि मेरा फेस वॉश इधर है। मैं और मेरी जी बार्गिन 90p का लगा हुआ है, ये देखें जी ये ब्रॉडवे वाली बूट्स में, तो आएँ ऑफर का फ़ायदा उठाएँ। और ये 33p की लगी हुई है, और ये डिलीशियस एला जी क्रीमी ये 1.60 की लगी हुई है, तो मैं तो यहाँ से उठा के लेके जाऊँगी जी स्टॉक। और गिफ्ट सेट बूट्स में तुसी भी आके देख लो, ये बार्स हमने उठा ली हैं, मेरे हाथ में ये बैग्स हैं, और अब हम यहाँ से कुछ देखते हैं। ऑफर्स लगी हैं जी, तो गिफ्ट सेट अगर किसी ने लेने हैं तो बूट्स आएँ और यहाँ से अपनी पसंद का तोहफा ले लें। तोहफा नहीं जी, आप ही ख़रीदना पड़ेगा, तो तोहफा कहाँ से हो गया। और म्यूज़िक पीछे इतना ऊँची चलाया इन्होंने वैसे हैं, तो बड़ा जी रश है यहाँ बूट्स में। हमने यहाँ से ले ली हैं चीज़ें जो हमने ले ली थी, अब हमने जाना है दी वर्क्स और वहाँ से देखनी है कुछ चीज़ें और फिर हेड बैक होम। और ये हमने जी ये बुक ली है जोनी के लिए, ये वाली पजल 8, यहाँ एज 9 का नहीं है, पर ये भी उसके हिसाब से ठीक है, क्योंकि यहाँ इसको हेल्प मिलेगी अंडरस्टैंड करने में, चीज़ें समझने में, पजल, और जो है दिमाग का सही इस्तेमाल होगा जी ये करते वक्त। तो ये मैंने यहाँ से उठाई है, यहाँ और भी हैं पर मुझे जो है ये वाली ज़्यादा जो है अभी इसको पे करना है जोने, ये ज़्यादा अच्छी है। और एज 7 की भी जो है, पर नहीं आई थिंक ये एज 8 वाली जो है वो आपके लिए बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। और यहाँ बड़ी किताबें हैं, बड़ी दी वर्क्स में वैरायटी है, तो आप भी अपने बच्चों को लेकर आएँ, और ये रीज़नेबल प्राइस है, बहुत महंगियाँ भी नहीं कि हम जो है इजीली तो नहीं मैं कहूँगी कि यह है कि मैनेज हो जाती हैं। तो शॉपिंग हो गई है कंप्लीट, और अब देखें जी बैग बैग अब हम जा रहे हैं, क्योंकि नमाज का असर का टाइम हो चुका है, तो नमाज ये नहीं करनी कज़ा, घर चलते हैं, घर जाकर नमाज पढ़ेंगे, फिर जो है चीज़ें लेकर आए हैं वो समेटेंगे, और देन जी फिर दोपहर की तो हांडी हो गई, रात की हांडी की तैयारी, वो इधर इधर इस तरफ चलो, इस तरफ चलो, इस तरफ निकलते हैं यहाँ से, चलें जी। पैसे दिए थे हाँ, तो जी स्टेप्स हैं माशाल्लाह काफ़ी हो गए हैं, अब हम तेज़ हो तेज़ जी, अगर वॉक करनी भी है तो सुस्ती वाली वॉक नहीं, यानी टिल्ला छड़ के बंदा टुरे, अगर वॉक करनी है स्टेप्स काउंट करने हैं आपने तो तेज़ 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 कदम वाली जो है ना चहलकदमी करनी चाहिए, ऐ नहीं कि हाय जो है थक गए हैं। तो अगर आप
वॉक करना चाहते हैं तो वॉक जो है तेज़ कदमी वाली होनी चाहिए, ढीली टाली जड़ी होती है ना वो गुड नहीं होती। चलो आज रोड क्रॉस करते हैं, आज 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 जल्दी करो। तो चलते जी, अब हम हैं जी घर की तरफ रवा दवा, ते शॉपिंग भी होगी, थोड़ा सा खा पी भी लिया और माशाल्लाह बड़ा अच्छा टाइम गुजरा मेरा और छोटे काके पटाके का। अब हम जाके नमाज पढ़ेंगे। बादल देखे कैसे माशाल्लाह आज जी बदला ने कैसा घेरा पाया है, तो अल्लाह रहम करे जी, अल्लाह अपनी जो है रहमत को जो है बरसाए, पर वो रहमत रहमत ही रहे, किसी के लिए भी जहमत ना बने जी, आमीन। तो सोचा कि चलो जी तनु जरा गड्डी गई सी रुक, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी मैं आपसे बातचीत भी कर लूँ। और मैंने ये कहना था जी टैप टैप सेंड किया ऐप को डाउनलोड करें, भेजिए अपने प्यारों को पैसे। ऐप बहुत इजी है, आप प्ले स्टोर में जाएं, टैप टैप सेंड लिखें तो ऐप हाजिर हो जाएगी, जिन दरांजी जिन के जैसे हाजिर हो जाएगी। आपने उसको डाउनलोड करना है, फिर उसमें आपने जिनको पैसे भेजने हैं उनकी डिटेल, उनका नाम, उनका बैंक का नाम, उनका आई बैन के साथ अकाउंट नंबर पूरा लिखना है, और जितनी अमाउंट भेजनी है उतनी आपने ऐड करनी है। उसके बाद आपने जो आपका अपना बैंक है जहां से पैसे निकलने हैं जी वो डिटेल शेयर करनी है, और सेंड का बटन दबाना है। तो जी बैंक ट्रांसफर, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, जैज कैश और किसी भी जो है बड़े बैंक हैं जिनके जिनमें आप पैसे डायरेक्ट भेज सकते हैं और वो फिर एटीएम कार्ड के जरिए निकलवा सकते हैं। कोई फी नहीं है और कोई चार्जेस नहीं है, और सबसे बेहतर सबसे जो उम्दा बात है जी टैप टैप सेंड की कि इनके रेट हैं सबसे अच्छे, बेहतरीन उम्दा खरे रेट हैं जी। और अगर आप हलीमा 10 का कोड इस्तेमाल करेंगे HALIMA10 तो आपको मिलेगा जी बोनस, आपको मिलेगा £10, €10, $20, and $25। तो चले जी कुछ ज्यादा तो नहीं लेकिन इतने ही कुछ से आपको जो है थोड़ी सी खुशी मिल सकती है, थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे मिल सकते हैं, तो थोड़ा जाए जी तुसी समोसे पकौड़े खा सकते हो। तो जे समोसे पकौड़े तो रहने दें, अगर घर में कुछ लेके आके घर में पकाना है तो आप इस बोनस से वो कर सकते हैं। तो रिमेम्बर हलीमा 10 HALIMA10 का कोड इस्तेमाल करें, भेजें अपने प्यारों को पैसे। और लाइक आई सेड बिफोर कि अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको £10, €10, $20, and $25 जो है आपको ऑन टॉप मिलेगा। तो जरूर फायदा उठाएं जब तक ये बोनस है, तो बस भेज दे रहे हो पैसे अपने प्यारियां नू और उनकी जो है मौज करवाते रहें जी। तो चलें ठीक है, मिलेंगे आपको थोड़ी देर में इंशाल्लाह।